तो मार्च महीने में तापमान में बढ़ोतरी होने से समय से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। समय से पहले गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। ज्यादा गर्मी का असर अब आम की फसल पर भी पड़ रहा है। आम की फसल पर आई तेला चेपा की बीमारी ने बागवानों के नींद उड़ा दी है। रादौर में आम की फसल में होने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए बागवान महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर फसल को बचाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। आम की फसल में लगने वाली ये बीमारी इतनी घातक है कि आम की 75% तक फसल खराब हो चुकी है। रादौर में आम के बाग की खेती करने वाले एक बागवान ने बताया कि इस बार आम की फसल पर बोर अच्छा आया था, लेकिन बीमारी के चलते बोर तेजी से खराब भी हो गए। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब 70-80% तक फसल खराब हो चुकी है। अब की बार आम में बूर तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन जितना अच्छा आया था उससे भी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। 70-80% बीमारियों ने खत्म कर चुका है। 20-25% फ्रूट बचा है, उसका भी ये नहीं पता कि बचेगा या नहीं बचेगा। इतना तेला चेपा आ रहा है, वो आम का रस चूस रहा है और शाखाओं को नीचे गिर रहा है। रस छोड़ चूस चूस के आम का वो उसके ऊपर पत्तों के ऊपर डाल रहा है, जो आम काला होने के भी चांस ज़्यादा है। इसका कारण यह है, एकदम से इतनी गर्मी पड़ गई है, टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो गया है, तो गर्मी करके ये मर ही नहीं पा रहा है किसी भी दवाई से। 6,000 रुपये लीटर दवाई लगा रहे हैं, जो एक स्प्रे करते थे 4-4 स्प्रे करने पड़ रहे हैं उस दवाई के। ये चीज़